येस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन लेट्स लर्न। तो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। समझेंगे व्हाट इज फोनीम, फोनीम्स क्या है, मॉर्फीम्स क्या है, सिंटेक्स, सिमेंटिक क्या है, ये चीजें और क्या अंतर है, और फिर कुछ 3-4-5 क्वेश्चंस भी करेंगे। एक नंबर में क्वेश्चन आता ही है आपके इंग्लिश पेडागॉजी के सेक्शन में, स्पेशली इन सीटेट, बाकी जहां पर भी इंग्लिश पेडागॉजी पूछी जा सकती है ये चीजें पूछी जाती हैं। तो मैं एक बार देख लेती हूँ कि आप लोग लाइव हैं, मुझे देख पा रहे हैं, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, तो येस करके बताओ एक बार, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ऑडियो क्लियर नहीं आ रही है, ये तो बड़ी ही भारी बात है। यदि ऑडियो क्लियर ना आए इस वाले माइक से भी तो ये तो समस्यात्मक बात हो जाएगी। देखना यार, ऑडियो तो क्लियर होनी चाहिए, यहां से तो क्लियर है एकदम। बताओ एक बार ऑडियो क्लियर है कि नहीं। यस, भर गया एकदम, यस 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 से। चलिए बहुत बढ़िया, सही है सही है सही है सही है। गुड इवनिंग भाई सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन, करें स्टार्ट। सब क्लियर है ना? चलो बहुत बढ़िया। नोटिफिकेशन नहीं मिलता यार, पता नहीं ये यूट्यूब का कई बार कुछ इश्यूज हो जाते हैं। ज्यादा चैनल्स आपने सब्सक्राइब किए होंगे या फिर बेल आइकॉन नहीं दबाया हुआ होगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया होगा, तो उस चक्कर में कई बार नहीं जाता नोटिफिकेशन, तो उसको चेक कर लिया करो। बाकी 9:35 डेली सेशन होता ही है ऑलमोस्ट एवरी डे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, बहुत बातें हो गई, काम की बात पे आते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? अब सारे त्योहार चले जा चुके हैं ऑलमोस्ट, आज सभी को हैप्पी भैया दूज। बाकी अगर मैं बात करूं तो अब थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ ध्यान दे लीजिए, कई सारे एग्जाम भी आ गए हैं। और कल परसों मतलब 17, 18, 19, 20 मैं सोच रही हूँ 4 दिन AWS के लिए कुछ स्पेशल सेशन रहेगा, प्रैक्टिस सेशंस रहेंगे, आप उनको मैराथन कह लीजिए। और उसको फिर हम क्या करने वाले हैं, ओहो, इसकी तो जरूरत नहीं थी, ये कहाँ से प्रकट हुआ, एक मिनट को। हाँ, तो हम अगले 4 दिन क्या करने वाले हैं, AWS के कुछ जो टीचिंग मेथडोलॉजी वाले क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद अपनी सीटेट के लिए एक्सपर्ट सीरीज जो है, जिसमें आप CDP तो आप सभी एग्जाम के लिए देख पाएंगे, वो एक अलग तरीके से डिस्कशन होगा, उसमें टॉपिक प्लस क्वेश्चंस वो थोड़ा डिफरेंट होगा, तो वो हम 21 से मिलेंगे। माहौल बना रहा था ऑडियो की बात बोल के, वाह मानस बहुत बढ़िया, शाबाश। अगर रोज आने वाले लोग भी ऐसे माहौल बनाएंगे तो क्यों दुखी करते हो भाई। देखो एक बार, अब फोनीम, मॉर्फीम, सिंटैक्स, सिमेंटिक ये क्या होते हैं, यहां आ जाते हैं। सेशन पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप बिना कहे कर दीजिएगा। कुछ प्लेलिस्ट के लिंक मुझे शेयर करने हैं टेलीग्राम पर, वो मैं कर दूंगी, मुझे याद है, भूली नहीं हूं, है ना। लेट्स लर्न स्क्वाड आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस आपकी मैशअप सीरीज में ठीक ठाक हो रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। ठीक, पहला जो टर्म है इंग्लिश पेडागॉजी के, कुछ टर्म्स हैं जिनमें से ये एक है। पहला टर्म है फोनीम्स, जिनको ध्वनिम कह देते हैं हिंदी में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ध्वनिम कह देते हैं फोनीम्स, या फोन वर्ड जहां भी आ जाए, मैंने आपको कहा है बहुत बार, उसका मतलब है साउंड से रिलेटेड है। फोन मतलब साउंड से रिलेटेड है, ठीक। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड कह सकते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, चाहे वो च हो, फ हो, थ हो, क हो, कुछ भी, जो भी एक साउंड बनाए, सबसे छोटी यूनिट जिसको हटा दिया जाए तो साउंड नहीं रहेगी, ये कह सकते हैं हम, फोनीम कहलाती है। अगर मैं बात करूं फोनीम की, तो जनरली हम कहते हैं टोटल फोनीम्स होते हैं इंग्लिश में 44, यानी 44 फोनीम्स कितने हैं जनरली, अगर हम देखें 44 फोनीम्स हैं। अब इन 44 को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, कि 20 तो जो है वो वॉवल है, वॉवल फोनीम्स यानी वॉवल साउंड्स हैं, और 24 जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स, ठीक। तो कई बार पूछ लेता है इंग्लिश में कितनी ध्वनियां हैं, कितनी साउंड्स हैं, तो 44। अल्फाबेट कितने हैं, जस्ट 26, सॉरी अल्फाबेट तो एक ही है, लेटर्स कितने हैं 26। इन 26 लेटर्स से कुछ 44 ध्वनियां बन रही हैं, और उसमें भी 20 वॉवल की साउंड है और 24 कॉन्सोनेंट की साउंड है। तो हम कह सकते हैं 5 लेटर वॉवल के, ए ई आई ओ यू, 20 ध्वनियां प्रकट करते हैं, और 24 कॉन्सोनेंट, 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स से 24 साउंड बनती है, ठीक हो गई बात। तो हम ध्यान रख सकते हैं कि सबसे छोटी इकाई ध्वनि की, साउंड की, क्या कहलाएगी, फोनीम कहलाएगी। तो कई बार पेपर में दे देता है च, फ, थ, ये क्या है, तो ये किसका उदाहरण हुए, फोनीम्स का उदाहरण हुए, कि सबसे छोटी इकाई इसमें क्या है, फोनीम कहलाती है, साउंड की यानी ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, अगर उसे हटा देंगे तो कोई ध्वनि नहीं बचेगी, ये च की साउंड नहीं बचेगी यदि CH को नहीं जोड़ूं तो, ठीक। कैट में जो ये साउंड है क की, ये सी के कारण है, तो ये ध्वनिम हो गया हमारा, क्या है, ये फोनीम कहलाया, ठीक।
अब इसमें भी फिर जो आपके वॉवल साउंड हैं इसमें भी अलग अलग तरह की हैं, डिफथोंग है, मोनोफथोंग है. डिफथोंग वो जो डबल वॉवल की साउंड आ रही हो तो डिफथोंग कहलाएगी, मैंने कल परसों डिस्कस किया था. ठीक, मोनोफथोंग जो है सिंगल साउंड है आपकी. क्लियर हो गई यहां तक की बात? मुझे लगता है यहां तक की बात क्लियर होगी कि फोनीम क्या है. स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को फोनीम यानी ध्वनिम कह रहे हैं हम. सिंपल बात, इंग्लिश में कितने फोनीम्स हैं? 44, जिसमें से 20 वॉवेल साउंड है और 24 कॉन्सोनेंट साउंड है. फोनीम को आप साउंड भी मान सकते हो, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड. ये अलग अलग तरह के फोनीम आप देख पा रहे हो. ये एस फोनीम है किसमें? सेट, टैप. ये आप एग्जाम्पल के लिए अपनी पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पे, बाकी अदर पीडीएफ भी मैंने शेयर की हैं टर्म्स की. देखिए फिर नेक्स्ट आपकी एक चीज आती है मॉर्फीम. लास्ट में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे एक एक. मॉर्फीम की यदि मैं बात करूं तो मॉर्फीम क्या है? स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट है. मतलब इसको और तोड़ा जाएगा तो मीनिंग नहीं बचेगा एक तरीके से. तो सबसे छोटी मीनिंग की एक यूनिट कह सकते हैं हम मॉर्फीम. पढ़ सकते हैं हम यहां पे लिखा हुआ है आप, मॉर्फीम इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट. मतलब मीनिंगफुल यूनिट स्मॉलेस्ट. और फोनीम क्या थी? साउंड की सबसे छोटी इकाई. जरूरी नहीं उसका अपने आप में कोई मीनिंग हो. ठीक, तो स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट इन अ लैंग्वेज या फिर स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स, जिसका कुछ एक कॉम्बिनेशन बने मीनिंगफुल. मान लीजिए अन ही है, UN. इसका अपने आप में इंडिपेंडेंट मीनिंग है कि नहीं ये मैटर नहीं करता, लेकिन आपको ये पता है कि ये UN यदि किसी वर्ड के आगे लगाओगे तो क्या बन जाएगा, उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा. और वो कैसे चेंज होगा ये भी आपको पता है. यदि यूजुअल के आगे अन लगा दूं मैं, यदि यूजुअल के आगे अन लगा दिया जाए तो अनयूजुअल बन जाएगा. दैट मींस जो चीज यूजुअल नहीं है. तो सबसे छोटा कॉम्बिनेशन जिसकी वजह से मीनिंग चेंज हो जाए फिर तो कह सकते हैं. तो यूजुअल, अब ये वर्ड से कैसे अलग है, वर्ड और मॉर्फीम्स कैसे अलग हैं? वर्ड का हमेशा अपना एक इंडिपेंडेंट मीनिंग होगा ही होगा, है ना? वर्ड का अपना एक हमेशा इंडिपेंडेंट मीनिंग होगा ही होगा. लेकिन यहां पर क्या हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इंडिपेंडेंट मीनिंग हो. जैसे अनयूजुअली एक वर्ड हो गया, ठीक, तो एलवाई का अलग है, अन का अलग है, यूजुअली का, यूजुअल का अपने आप में एक मीनिंग है. ठीक है बात. लेकिन ये मॉर्फीम है अपने आप में. ये जो अन है, एलवाई है, ये मॉर्फीम है. यूजुअल क्या है? मॉर्फीम तो है ही है, वर्ड भी अपने आप में इंडिपेंडेंट. तो वर्ड्स हमेशा एक इंडिपेंडेंट मीनिंग रखेंगे, लेकिन मॉर्फीम जरूरी नहीं है अपने आप में इंडिपेंडेंट मीनिंग रखता हो, लेकिन उसका कुछ ना कुछ मतलब जरूर हो सकता है. ठीक, तो हम कुल मिला के ये कह सकते हैं मॉर्फीम जो है वो सबसे छोटी इकाई है मीनिंग की. सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई को हम मॉर्फीम कह रहे हैं. अर्थ की सबसे छोटी इकाई, अर्थ की सबसे छोटी इकाई मीनिंग कहला रही है. मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी स्टडी है मीनिंग की. जिस तरीके से मीनिंग कंस्ट्रक्ट होता है किसी भाषा में, उसकी स्टडी को मॉर्फोलॉजी कहते हैं. ठीक, अब उसको आप कंफ्यूज करेंगे सिमेंटिक्स से, उसको हम अभी नेक्स्ट पॉइंट पे समझने वाले हैं, आगे बढ़ेंगे. अब सिंटैक्स क्या है, ये कई बार पूछ लिया जाता है. सिंटैक्स को वाक्य विन्यास कहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो हिंदी में. ठीक, ये सब जगह पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है. जी शिवांगी मैं अच्छी हूं. सिंटैक्स की यदि बात की जाए तो इसको वाक्य विन्यास कह देते हैं. तैयारी सही चल रही है आप लोगों की, ये बता दो बस अब, क्योंकि एग्जाम के लिमिटेड दिन बचे हैं आपके सामने. द सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस इन अ लैंग्वेज, मतलब सिस्टम ऑफ रूल्स, ग्रामेटिकली रूल्स के अकॉर्डिंग ठीक है कोई सेंटेंस या नहीं. तो बात आएगी स्ट्रक्चर की, एक भाषा में एक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो सही बनेगा कि नहीं. मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म कहां आएगी, ऑब्जेक्ट कहां आएगा. अगर ये कॉम्बिनेशन ठीक है, मतलब वो सेंटेंस सिंटैक्टिकली ठीक है, सिंटैक्स वाक्य विन्यास उसका ठीक है, सब्जेक्ट सही जगह पे लगा हुआ है, वर्ब सही फॉर्म है, ऑब्जेक्ट सही जगह पर है, कौन सा कहां पे कौन सी फॉर्म यूज होगी, तो ये क्या ग्रामेटिकली करेक्ट है यदि सेंटेंस, तो वो सिंटैक्टिकली करेक्ट कहलाएगा, सिंटैक्स के रूप में वो सही है. ठीक है बात. बहुत लेट हो जाता है, नितिका कह रही है 9:30 बजे ज्यादा लेट हो जाता है क्या. चलो कल मैं एक बार एक पोल करूंगी, वैसे मेरे लिए काफी कंफर्टेबल टाइम है 9:30 का. बाकी अगर ऐसा है तो 9 बजे ले आएंगे टाइमिंग को, लेकिन थोड़ा सा मुझे बताना फिर, कल मैं एक पोल रख दूंगी. 9:30 नहीं है सही, बताना आज वीडियो के नीचे कमेंट करना कि 9:30 ठीक है कि नहीं. ठीक है बात. एक्सपर्ट सीरीज करेंगे हम 21 से, क्योंकि बीच में ये AWS का एग्जाम है, इससे थोड़ा सा निपट लें. 21 से करेंगे एक्सपर्ट सीरीज, उसमें सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट तरीके से डील करेंगे.
तो सिंटेक्स का एक एग्जाम्पल ये हो सकता है कि आपने सेंटेंस में स्ट्रक्चर ठीक है कि नहीं, ग्रामेटिकली सेंटेंस ठीक है कि नहीं. ठीक है, बात सही है टाइम. चलिए फिर वो कमेंट में बता दीजिएगा या मैं पोल दे दूंगी कल. देखो अब नेक्स्ट है सिमेंटिक्स, ये इंपॉर्टेंट है. यहां से खूब भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं, रेपिटेडली आ रहे हैं. और देखो द स्टडी ऑफ द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस. एक सेंटेंस में वर्ड्स और फ्रेजेस जो हैं वो मीनिंगफुल हैं कि नहीं, ये बात होती है सेंटेंस की. मॉर्फोलॉजी हम पूरी भाषा में बात कर रहे थे, ठीक. तो मीनिंग की स्टडी को हम सिमेंटिक कह रहे हैं. मीनिंग की स्टडी को, स्टडी ऑफ मीनिंग हम सिमेंटिक मान के चल रहे हैं एक सेंटेंस के अंदर, कि मीनिंगफुल होगा कि नहीं होगा सेंटेंस, वो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सही जाएगा कि नहीं जाएगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे बहुत सारे लोग कह देते हैं कि मान लेते हैं माई अंकल हैज एक्सपायर्ड. इंसान एक्सपायर हो सकते हैं क्या? अब यहां पे सब्जेक्ट भी अपनी जगह है, वर्ब की फॉर्म भी सही है, ऑब्जेक्ट भी है, सब कुछ है, बट इंसान एक्सपायर होते हैं, दवाइयां होती हैं एक्सपायर, इंसान की एक्सपायरी डेट होती है क्या? नहीं. तो यहां कुछ डाइड होता या फिर पास अवे होता, कुछ और वर्ड होता तो हमें समझ में आता. मतलब इस सेंटेंस में बाकी सब तो सही है, स्ट्रक्चर तो सही है, ग्रामेटिकली सिंटेक्स तो सही है, लेकिन सिमेंटिकली ये गलत है. इसका जो मीनिंग सही तरीके से निकलना चाहिए वो नहीं निकल रहा, ये कह सकते हैं हम. ठीक है बात, बढ़िया है. शुभांगी जिनका सब्जेक्ट इंग्लिश नहीं है वो भी सीख रहे हैं. अब जरा कुछ क्वेश्चंस करोगे तो और ज्यादा क्लियर होंगी चीजें. मैं फिर से सारी चीजें एक बार रिपीट करा देती हूँ. फोनीम्स है सबसे छोटी इकाई भाषा में साउंड की, ध्वनि की, च फ भ म, जो ये ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है उसको हम फोनीम कह रहे हैं. फिर है आपका मॉर्फीम, मीनिंग की सबसे छोटी इकाई. देन सिमेंटिक्स, मीनिंगफुली एक मीनिंग निकलेगा कि नहीं निकलेगा एक सेंटेंस में, एक वर्ड में, एक फ्रेज में, तो वो सिमेंटिकली सही कहलाएगा. कॉन्टेक्स्ट में अर्थपूर्ण तरीके से मीनिंग है कि नहीं है, बेशक सारा स्ट्रक्चर ठीक हो लेकिन अगर मीनिंग सही नहीं निकल रहा कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग तो वो सिमेंटिकली गलत है. सिंटेक्स क्या है? जब ग्रामेटिकली करेक्ट हो, भाई सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट है, वर्ब की जगह वर्ब है, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट है, तो ये सिंटेक्स हुआ, वाक्य विन्यास. अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. पहला क्वेश्चन है अ वर्ड गेट्स इट्स मीनिंग, मतलब एक जो शब्द है उसे अपना अर्थ कहां से मिलता है, बता दीजिए जरा. बिल्कुल, डिक्शनरी से मिलेगा, स्पेलिंग से, ओरिजिन, या फिर इन रिलेशन टू इट्स कॉन्टेक्स्ट. तो देखो हमेशा याद रखना जो वर्ड है उसका जो मीनिंग है वो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग निर्धारित होगा. सेम वर्ड को आप चार अलग अलग जगह यूज कर सकते हो लेकिन कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा कि आप कहना क्या चाह रहे हो, यानी वो किस संदर्भ में यूज किया गया है. आप शादी में गए हो और किसी को कुछ कह रहे हो तो वो अलग तरीके से एक मीनिंग निकलेगा. आप अपने दोस्त को सेम बात कह रहे हो तो उसका मतलब कुछ और हो सकता है. आप वही चीज किसी फॉर्मल लेटर में लिख रहे हो उसका मीनिंग अलग हो सकता है. मतलब कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग एक मीनिंग गेन करेगा कोई भी एक शब्द, ठीक है. तो हम मीनिंग से जोड़ते हैं कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, तो ये बात हम ध्यान रखेंगे. आगे बढ़ेंगे क्योंकि ऐसा तो बहुत बार होता है कि भाई अगर मैं बात करूं एटिमोलॉजिकली अलग मतलब है किसी चीज का, जैसे ओरिजिन हुआ है उसका मीनिंग अलग है लेकिन आप कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग जगह अलग अलग यूज करते हैं. ठीक है बात. नीतू सिंह जी आपको बिल्कुल किसी ने नहीं कहा कि आप यहां देखने आए. देखिए एक बार, अ फोनीम इज, फोनीम क्या है ये बताइए. फोनीम क्या है बता दीजिए, आसान है तो इसमें तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल में. बिल्कुल रचना जी, डेली कुछ कुछ पढ़ेंगे तो एड ऑन ही होगा, वो नुकसान नहीं देगा, उससे फायदा ही होगा. अच्छा लाइक भी नहीं दिख रहा आजकल, कोई बात नहीं, वो हो जाता है कई बार, टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं. बाकी लाइक शेयर कर देना. देखो फोनीम क्या है, सिंगल यूनिट ऑफ साउंड. डिफथोंग तो डबल यूनिट, मतलब एक तरीके से डबल वॉवल साउंड हो गई, तो सिंगल यूनिट ऑफ साउंड को हम फोनीम कह रहे हैं, ध्वनिम कह रहे हैं, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को. आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इनसे रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं सेम. ये क्वेश्चन और देख लो एक बार, द सेंटेंस मैडम ड्राइव्स अ बाइसिकल. सेंटेंस है मैडम जो कि सब्जेक्ट हुआ, ड्राइव्स वर्ब हो गई, अ बाइसिकल ऑब्जेक्ट में काउंट कर लीजिएगा, है ना. ये इसमें कहीं गलती है कि नहीं ये पहचानना है आपको, बताइए इसमें कहीं गलती है कि नहीं ये बता दीजिए कष्ट करके थोड़ा सा. हमारे पास इंग्लिश नहीं है तो क्या क्लास लगाएं, हिंदी है मैम. मुकेश जी टेंशन मत लीजिए, ये लास्ट क्लास है इंग्लिश पेडागॉजी की, बहुत रेयर ही कुछ टर्म्स बचते होंगे जो कभी मैराथन में करा दूंगी. बताइए, अशोक सही है,
ओहो राहुल क्या हो गया, 8 PM रखिए क्लास, यार 8 बजे तो दूसरी क्लास होती है, 9 बजे ही करेंगे धीरे धीरे, अगले महीने से कर देंगे 9 बजे का टाइम। देखिए एक बार आंसर कीजिए, आप लोग डी कह रहे हैं ज्यादातर लोग। अरे नहीं यार, सिमेंटिकली एज वेल एज सिंटेक्टिकली, सिंटेक्स में कहां प्रॉब्लम है ये बता दो मुझे, है अंग्रेजों बताओ जरा समस्या कहां है इसमें, करेक्ट सिंटेक्टिकली बट सिमेंटिकली इनकरेक्ट, ये ऑप्शन सही होगा सिंपल भाई। सिंटेक्स जो है इसका वो सही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस जो भी एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैडम ड्राइव सा बाइसिकल में स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम थोड़ी है, मीनिंग में प्रॉब्लम है, ये सिमेंटिकली गलत है, अर्थ के हिसाब से ठीक नहीं जा रहा। जो अर्थ, जैसे मैंने अभी एक्सपायर वाला एग्जांपल दिया था, इंसान एक्सपायर थोड़ी होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ड सही यूज नहीं हुआ, सिमेंटिकली गलत है, अर्थपूर्ण नहीं बन रहा ठीक से। कैसे ड्राइव आप फोर व्हीलर को करते हैं, जिसके ऊपर आप मतलब अंदर आप बैठे हुए हैं एक तरीके से, चाहे वो आपकी कार हो ट्रक हो वॉट एवर इट इज, लेकिन जब आप टू व्हीलर या उस तरीके से कोई घोड़ा भी है इवन जिसके ऊपर आप बैठे हुए हैं, तो वो राइड करेंगे आप, तो मैडम राइड सा बाइसिकल होता है तो हम मान लेते, तो सिमेंटिकली ये गलत है, सिंटेक्टिकली ये ठीक है। सिंटेक्ट का मतलब है हाँ सिंटेक्स के रूप में, वाक्य विन्यास स्ट्रक्चर के रूप में तो ये सही है। तो इसमें बहुत लोग कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा बताते रहते हैं, बट इसका आंसर जो है वो ए होगा, ठीक है। मैडम राइट्स अ बाइसिकल, और अगर पूछ लिया जाए मीनिंग की स्टडी को क्या कहते हैं लैंग्वेज में, जनरली पूछा जाता है, तो सिमेंटिक्स आपका सही आंसर होगा। नीतू सिंह को क्यों ब्लॉक कर दिए, अच्छा नीतू सिंह को ब्लॉक कर दीजिए, अरे मुकेश जी कोई बात नहीं, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है ना, तो मेरे कर्म पे कुछ प्रभाव पड़ने वाला किसी की नेगेटिव और पॉजिटिव बात का, पॉजिटिव का फिर भी पड़ जाए, नेगेटिव का क्या ही पड़ेगा यदि कोई अर्थ ना हो उसमें तो। और इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जीवन से फ्रस्ट्रेटेड हैं कई लोग। खैर तो ये छोटी सी बात हुई, ये PDF मैं शेयर कर दूंगी, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन कम से कम भी बन जाएगा इस सेशन से, छोटा सा सेशन है, PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, और भी कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं जो आज रात को मैं शेयर कर दूंगी, और कोई समस्या हो तो बता दीजिए। लाइव चैट थोड़ा थोड़ा पढ़ने में ठीक रहता है, मतलब लाइव का मतलब ये ना कि मैं बीच बीच में आपके भी कुछ कुछ कमेंट्स पढ़ लूं, बाकी 2437 लोग देख रहे हैं, 1700 लोगों ने लाइक किया है, क्या समस्या है, लाइक शेयर तो कर दिया करो जब आते हो देखने, तो इसी फ्रीडम ऑफ स्पीच का सब एडवांटेज लेते हैं। ये बात सही है शुभांगी, कई बार अच्छे कॉमेंट्स भी नहीं देख पाता है इंसान, सच की क्वेरीज भी नहीं देख पाता है कई बार फालतू के कॉमेंट्स के चक्कर में। करियर पे कब होगी क्लास प्रगति, आई होप कल से होगी, आज वहां छुट्टी थी मुझे भी नहीं पता था, मुझे लगा आज क्लास है, है ना, कोई दिक्कत नहीं, अब हम कल मिलेंगे, और कल जहां तक है AWS की CDP करेंगे, पेडागॉजी वाला पार्ट, और वो आप सभी अटेंड कर सकते हो, चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो MPTET की, क्योंकि कॉमन क्वेश्चंस हैं, तो वो हम करने वाले हैं अगले 4 दिन तक, क्योंकि 21-22 को उनका पेपर है AWS वालों का, और बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं आप लोग। उसके बाद हम सिर्फ CTET को टारगेट करेंगे, उसमें CDP वाला सेक्शन सब देख सकते हैं, बाकी अदर सब्जेक्ट्स फिर CTET के लिए काम के होंगे, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होगी एक्सपर्ट सीरीज, उसको फॉलो कीजिए, पेपर निकल जाएगा, ठीक है बात। चलिए फिर, मैं एकदम अच्छी हूं मैम, चाहे जो टाइम हो विच सूट्स यू, वी आर रेडी टू स्टडी अंडर योर गाइडेंस विद ग्रेट एंथुजियाज्म, वी आर ऑल विद यू मैम, लव यू मैम, थैंक यू सो मच कोमल, अच्छा लगता है यार, आप लोगों ने कल भी काफी सपोर्ट किया रेमो सर के सेशन में भी, और अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़ के या जो भी एक फीडबैक होता है वो हमेशा अच्छा लगता है, और मैं कोशिश करती हूँ हमेशा टाइम टू टाइम इम्प्रूव करने का, थैंक यू सो मच। और आज हम लोग जहां तक है 50,000 होने वाले हैं इंस्टाग्राम पे भी, हालांकि मैं बहुत ज्यादा यूज नहीं करती हूँ बट डालती रहती हूँ जब भी थोड़ा बहुत समय लगता है ना। खैर और बताइए कोई और समस्या, बाकी अपने विचार कमेंट्स में बता दीजिएगा, 9:30 रखेंगे फिर इस मंथ का टाइम, नेक्स्ट मंथ से 9 बजे कर देंगे, ठीक है। कोई और समस्या, शुभम बोल दीजिए, शुभम बोल दिया जी। ये CDET के ही काम का है ये सेशन, यू स्लो मोड यार, तेजी से निकल जाते हैं क्वेश्चंस, कांग्रेचुलेशंस फॉर वॉट बताइए जरा। अरे मोहित कुछ नहीं रखा इन बातों में, चलो टेक केयर, ध्यान रखो अपना, बाय, कल मिलते हैं यार। सबको खुश नहीं किया जा सकता, कुछ लोग हमेशा दुखी ही रहेंगे, है ना, आप कितना भी कोशिश कीजिए, मैं कितनी भी कोशिश करूं, अब ना तो हर एग्जाम के लिए मैं अकेले डिस्कस कर सकती हूँ हर सब्जेक्ट, तो जितना कर रही हूं इतना एटलीस्ट उतना तो देखो। चलो टेक केयर।